इस मूवी को लेके डेफिनेटली बवाल तो होने वाला है। ये पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। तो देखो यार, कल ही जियो स्टूडियोज की तरफ से उनकी अगली फिल्म यानी कि आर्टिकल 370, जिसके अंदर आपको यामी गौतम देखने को मिलने वाली है, उस मूवी का एक टीजर रिलीज होता है। और भाई साहब, मुझे लगता है काफी तक इस मूवी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये लिटरली कंट्रोवर्सी में पड़ सकती है। इसको लेके डेफिनेटली वो जो प्रोपेगेंडा वाली चीज़ होती है वो हो सकती है। इसका टीजर किस तरीके से बन के निकला है और क्यों ऑडियंस इसके बारे में हाइप्ड नहीं है और क्यों उनको हाइप्ड होना चाहिए, आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते जैसे इस मूवी के नाम से पता लग रहा है कि किस तरीके से आर्टिकल 370 जो है वो 2019 के अंदर किस तरीके से रिमूव किया गया, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और क्यों ये करना ज़रूरी था, इसके लिए सरकार का अप्रिसिएशन करना बनता है कि जिस तरीके से सरकारें बहुत सारी आई लेकिन जिस तरीके से करंट सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया और जिस तरीके से उसको रिमूव किया, डेफिनेटली वो एक गट्सी डिसीजन था। क्योंकि जिस तरीके से इस आर्टिकल की वजह से अपनी खुद की राजनीति उस स्टेट के अंदर चल रही थी, जैसे उस स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, साथ में जिस तरीके से कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि वहाँ पे हो क्या रहा है और क्या वहाँ पे फंडिंग होती है नहीं होती है, क्या टेररिज्म है, क्या पॉलिटिक्स है, और इसका आइडिया आपको इसके टीजर को देख के लगता है कि पास्ट में किस तरीके से वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ रही हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, वो काम बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए था। तो डेफिनेटली जो पूरी की पूरी जर्नी, जो पूरे का पूरा स्ट्रगल है इस चीज़ को एक्चुअल एक्टिविटी में लेकर आने में और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है। और आपको जो सारी की सारी बातें हैं वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी और यहाँ पे आपको यामी गौतम देखने को मिलने वाली है एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा होने वाला है, ये एक ऐसा मुद्दा होने वाला है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो एक प्रोपेगेंडा वाला वर्ड होता है वो बहुत जगह पे यूज़ होने वाला है, तो डेफिनेटली ये इस तरीके की मूवी है जो आपका टाइम डिजर्व करने वाली है। अब प्रोपेगेंडा होता है नहीं होता है वो एक बात की बात है, लेकिन ये एक ऐसा आई वुड से एक ऐसा मुद्दा है जो ऑडियंस के सामने आना चाहिए। और अब देखते हैं कि ये कितने साफ तरीके से, कितनी साफ नीयत से, बिना प्रोपेगेंडा का यूज़ करे ये ऑडियंस के सामने इस चीज़ को रखते हैं। बाकी अगर प्रॉपरली बात करें इस टीज़र के बारे में, तो इस टीज़र के अंदर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको जिस तरीके से वहाँ पर टेररिज्म था, जिस तरीके से वहाँ पर फंडिंग होती थी, जिस तरीके से पॉलिटिशियंस खुद भी इन्वॉल्व थे, काफ़ी सारी बातें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और जम्मू और कश्मीर की जितनी खूबसूरती है उसके बाद क्या उसकी डार्कर साइड थी, उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा ऑडियंस इसको लेके हाइप्ड क्यों नहीं है और ऑडियंस को इसके बारे में पता क्यों नहीं कि ये मूवी आने वाली है। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो ये आपको 23 फरवरी को देखने को मिलने वाली है और ये आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी। मेरे को पर्सनली जो इसका टीजर है वो इंटेंस लगा, ब्रूटल लगा। डेफिनेटली अगर ये लोग काफ़ी सारे शॉकिंग फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखेंगे, तो एक ज़बरदस्त मतलब कश्मीर फाइल्स या फिर केरला स्टोरी लेवल की कोई मूवी आप लोगों के सामने आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑडियंस के सामने चीज़ों को रख पाते हैं या फिर इसके अंदर कितनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, वो एक पूरी तरीके से अलग मुद्दा है। लेकिन ये एक ऐसी मूवी होने वाली है जो आपका टाइम, आपका एप्रिसिएशन, आपका लिटरली मतलब आप इसमें इन्वेस्ट होने चाहिए, डेफिनेटली डिजर्व करती है। तो मेरे को पर्सनली इसका टीजर पसंद आया। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द टीजर ऑफ आर्टिकल 370। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये कैसा लगा नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।